आज का टॉपिक है हमारा हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर हम दो तरह से क्लासिफाइड करते हैं, सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर एक ऐसा वाटर होता है जिसमें कोई इस तरह के सॉल्ट नहीं होते जिसकी वजह से साबुन झाग ना दे, जबकि हार्ड वाटर ऐसा होता है जिसके अंदर आप ये समझ लीजिए कि आप जब उसमें सॉप डालते हैं या डिटर्जेंट डालते हैं तो वो क्या करता है, फॉर्म्स क्रिएट नहीं कर पाता। समझ में आ रही है बात? तो अगर हम नॉर्मल बात करें, इसके अंदर हमारे पहले वाटर का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्ट वाटर की। सॉफ्ट वाटर क्या है, देखिएगा, वाटर कंसिस्ट ऑफ लो कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की कंसेंट्रेशन या तो होती ही नहीं है या होती है तो बहुत कम होती है, उसे हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। इट गिव्स फॉर्म विथ सॉप, यानी ये फॉर्म्स क्रिएट करते हैं विथ सॉप। ठीक है, एग्जाम्पल टैप वाटर जो आपके नल में आ रहा है, और ड्रिंकिंग वाटर जो बिस्लरी का है पानी। ये ऐसा पानी है या वाटर है जिसके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स की कंसेंट्रेशन बहुत ही कम या जीरो होती है, और ये बहुत ही आसानी से फॉर्म्स क्रिएट करेंगे किसके साथ, इट गिव्स फॉर्म्स विद सॉप्स। अब ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। तो यहां तक तो आपको मालूम पड़ गया कि आपके जो नलों में पानी आ रहा है वो क्या है, सॉफ्ट है। दूसरा पॉइंट, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर अगर क्लासिफाइड करेंगे तो हार्ड वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आयंस। बिल्कुल है, सॉल्ट्स दैट आर डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन डिजोल्व फॉर्म में है। पक्का, कोई ऐसा नहीं है कि आप वो आपको पीपीटी बने हुए या सॉलिड बने हुए अलग से दिखाई देंगे, वो डिजोल्व है, वो दिखाई भी नहीं दे रहे आपको, बट आपको उसकी फील कब आती है, जब आप उसमें सॉप या डिटर्जेंट डालते हैं तो वो फॉर्म से क्रिएट कर नहीं करते। इट डज नॉट फॉर्म 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 विद सॉप। एग्जाम्पल सी वाटर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है, सी वाटर है। लिखिए इसको। देखो जब हार्डनेस की बारी आती है तो हम हार्डनेस को दो तरह से क्लासिफाइड कर देते हैं, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। तो इनमें क्या अंतर है दोनों में वो समझते हैं। टेम्पररी हार्डनेस पहले समझ लीजिए। टेम्पररी हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम इन फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट यानी HCO3 आयंस बीइंग प्रेजेंट इन द वाटर। यानी अगर आपका कैल्शियम सॉल्ट या मैग्नीशियम सॉल्ट बाइकार्बोनेट है तो उसको बोलेंगे टेम्पररी हार्डनेस। हम टेम्पररी क्यों बोल रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन, क्यों इसको टेम्पररी बोला जा रहा है, क्योंकि जब भी इस तरह की हार्डनेस होगी, दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन बी ट्रीटेड बाय बॉइलिंग द वाटर टू एक्सपेल द CO2 एज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी कैल्शियम सॉल्ट बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा, H2O और CO2 बन जाएगा। ये H2O जो है ये तो पानी पानी में यानी वाटर वाटर में मिल जाएगा, CO2 गैस बनती हुई दिखाई देगी, और कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट पीपीटी बन के उस सॉल्यूशन में नीचे पीपीटी बन के नीचे बैठ जाएगा, तो ये हार्डनेस दूर हो गई। तो एक तरह से बाइकार्बोनेट हार्डनेस इज क्लासिफाइड एज द टेम्पररी हार्डनेस। समझ में आ रहा है बात? तो परमानेंट की तरफ क्या जाओगे, यानी जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट है टेम्पररी, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है टेम्पररी। आ रही है बात समझ में? तो यहां हमारे पास दोनों ही तरफ हार्डनेस जो आ रही है वो क्या आ रही है, एक तरह से टेम्पररी कार्बोनेट, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जैसे सल्फेट, नाइट्रेट, हैलाइट, फॉस्फेट, एसीटेट, ये सब मिलके क्या बनाएंगे, परमानेंट हार्डनेस। क्योंकि आप अगर आप खुद ही सोचो, कैल्शियम क्लोराइड को गर्म करोगे तो क्या CO2 गैस बनेगी, क्या नहीं ना, तो कितना ही गर्म कर लो कोई फर्क पड़ेगा क्या उस पर, नहीं। लेकिन यहां फर्क पड़ रहा है, क्यों फर्क पड़ रहा है, क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी बन के अलग हो जाएगा, और उसको छान के अलग कर लो तो पूरा कैल्शियम सॉल्ट ही गायब हो गया कंटेनर में से, और गायब होना ही हार्डनेस गायब हो गई। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्पररी हार्डनेस। तो टेम्पररी हार्डनेस किसकी वजह से, सल्फेट, नाइट्रेट या बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। कार्बोनेट क्यों नहीं है, क्योंकि कार्बोनेट डिजोल्व ही नहीं रहता, कार्बोनेट पीपीटी बना के अलग हो जाता है। तो वही सॉल्ट हार्डनेस क्रिएट करते हैं जिनके सॉल्ट पानी में यानी वाटर में डिजोल्व रहे,
वो नहीं जो डिजोल्व नहीं है, समझ में आ रहा है? तो कैल्शियम मैग्नीशियम के सारे सॉल्ट, समझना मेरी बात, हार्डनेस क्रिएट करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करते। कौन से नहीं करते? कार्बोनेट। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो डिजोल्व नहीं रहते। वही आयन या वही सॉल्ट जो डिजोल्व होते हैं हार्डनेस क्रिएट करते हैं, सारे नहीं। तो बाइकार्बोनेट क्लासिफाइड एज अ टेम्पररी हार्डनेस। अब नेक्स्ट परमानेंट हार्डनेस। अब परमानेंट हार्डनेस में क्या होगा? कैल्शियम मैग्नीशियम आयन्स है, उनके वो सॉल्ट लिए जाए जो वाटर में डिजोल्व होते हैं, जैसे क्लोराइड, सल्फेट, ये तो दिया है, इसके अलावा नाइट्रेट, फॉस्फेट, एसीटेट, इनको लिया जाएगा तो भी आपका वही काम रहेगा। लेकिन मोस्टली अपन क्या लेते हैं? हैलाइड। हैलाइड में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी आ सकता है, और सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट को गर्म करने से क्या वो कैल्शियम कार्बोनेट बना के पीपीटी अलग हो जाता है? नहीं, उसका उससे कोई लिंक ही नहीं है। तो इस हार्डनेस को आप गर्म करके अलग नहीं कर सकते, कितना ही गर्म करें ये आयन आज भी पानी में ही रहेंगे, यानी वाटर में ही रहेंगे। और द वाटर विद दिस टाइप ऑफ हार्डनेस इज सेड टू परमानेंट हार्डनेस। व्हाई इट्स ए परमानेंट हार्डनेस? बिकॉज दिस टाइप ऑफ हार्डनेस डज नॉट रिमूव बाय हीटिंग। समझ में आ रहा है? तो जब रिमूव नहीं हो रही है तो फिर इसको हम कैसे अलग करेंगे? इसको अलग किया जा सकता है, शर्त है इसके लिए हमें कुछ केमिकल प्रोसेस करने पड़ेंगे, ना कि फिजिकल। हीटिंग तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे हम। इसके लिए क्या लिखा है? एज इट कैन नॉट बी ट्रीटेड इजिली, सो इट इज ट्रीटेड बाय केमिकल ट्रीटमेंट सच एज आयन एक्सचेंज रिएक्शंस। आयन एक्सचेंज रीजंस आप कर सकते हो। आयन कैसे रीजंस करोगे, समझना बात को। आमने आपको करना क्या है? कैल्शियम क्लोराइड को किस में कन्वर्ट करना है? कैल्शियम कार्बोनेट में। सोचो, बोलो, क्लियर है? तो आप क्या करो, कैल्शियम क्लोराइड में सपोज आपने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, जैसे ही सोडियम कार्बोनेट डालोगे कैल्शियम क्लोराइड में, कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी बन के अलग नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो कार्बोनेट था नहीं, आप लेकर आए बाहर से, तो आपको एक केमिकल को निकालने के लिए दूसरा केमिकल मिलाना पड़ेगा, एक आयन को हटाने के लिए दूसरा आयन लाना पड़ेगा। जबकि परमानेंट हार्डनेस में, सॉरी टेम्पररी हार्डनेस में, तो सारे आयन निकल ही रहे थे, तो कोई दिक्कत। अब आप कहेंगे सर इससे फायदा क्या है? हमारा कैल्शियम क्लोराइड है, आपने सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, Na2CO3 डाल दिया, क्या बना आपका? CaCO3 बन भी गया, जो कि पीपीटी बन के अलग हो गया, और हमारे पास क्या हो गया? NaCl, ये बन गया। तो एक आयन गया, एक आयन बन आ गया, हार्डनेस तो अभी भी है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, सोडियम आयन की वजह से हार्डनेस नहीं होती, हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से। Is that clear? तो कैल्शियम गया, सोडियम आया, तो सोडियम आते ही हार्डनेस खत्म। क्यों? क्योंकि कैल्शियम जा चुका है। तो बताइए कौन से सॉल्ट हार्डनेस क्रिएट करते हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के वो सॉल्ट जो पानी में डिजोल्व होते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपके पास हो गया एक तरह से हार्डनेस। अब इनको आयन एक्सचेंज करना एक मेथड मैंने बताया, इसके अलावा और कौन कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं, चलो समझते हैं। प्रॉब्लम, ठीक है? तो ये हमारे पास हो गया आयन एक्सचेंज मेथड, हमने कर लिया। अब नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास है टेम्पररी परमानेंट। अब प्रॉब्लम ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर से प्रॉब्लम क्या आ रही थी जो हम अलग कर रहे हैं? सबसे पहले, ओरिजिनली वाटर हार्डनेस हैज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ कैपेसिटी ऑफ द वाटर टू द प्रेसिपिटेट सॉप्स, ठीक है? इट फॉर्म स्केल्स इन द बॉयलर दैट दे कॉज डिक्रीजिंग इन हीट एक्सचेंज एफिशिएंसी, कोरोजन टेक प्लेस, एक्सप्लोजन। इसको समझना, एक मिनट फिर लिखिएगा एक साथ। जैसे मेरे पास बॉयलर है, बॉयलर का मतलब जानते हो आप? पहले बॉयलर का मतलब जानते भी हो या नहीं जानते? मैं बताऊं, थर्मल पावर प्लांट जहाँ पर भी होता है, वहाँ पर पानी को गर्म किया जाता है, उसे स्टीम में चेंज करा जाता है, फिर स्टीम को चेंज करके उसे
हाई प्रेशर पे जो स्टीम होती है उसे टरबाइन को घुमाया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत प्रेशर होता है, एनर्जी होती है। उस टरबाइन से आर्मेचर होता है, आर्मेचर से करंट जनरेट होता है। अगर आपने वहां सॉफ्ट वाटर नहीं रखा, हार्ड वाटर रख दिया, तो जो स्टीम का जो बॉयलर है वो लोहे का बना होता है, उसमें जंग ज्यादा आसानी से लगेगा, क्योंकि हार्ड वाटर ज्यादा तेजी से जंग लगाता है। दूसरा जो इसने बोला, यानी कोरोजन का मतलब यहाँ पर जंग, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत तेजी से होती है। डिक्रीजिंग हीट कैपेसिटी एफिशिएंसी, ये हीट कैपेसिटी क्या हो रहा है एक तरह से, आप ये समझ लीजिए कि जब आप उसको गर्म कर रहे हैं, अंदर से हीट कैपेसिटी की बात क्वांटिटी आती है, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करना भी तो हमारा काम है, वो हीट इतनी अच्छी खासी क्वांटिटी में नहीं एब्जॉर्ब करता जितना सॉफ्ट वाटर करता है, वेपर भी कम बनेगी, प्रेशर भी कम जनरेट होगा। तो कुल मिला के पूरा प्रोसेस में एनर्जी लॉस हो जाएगा, और एनर्जी लॉस हो जाएगा तो आपकी जो एफिशिएंसी ज्यादा आनी चाहिए, सपोज सॉफ्ट वाटर से 80% आती है, तो हार्ड वाटर से वो कितनी हो जाएगी, 70% हो जाएगी। तो लॉस हो गया एनर्जी का। तो एक ये लॉस है, एक ये लॉस है। और घर में क्या लॉस है, हमारे लिए क्या लॉस है, एक तो हार्ड वाटर क्या होता है, जब भी हार्ड वाटर होता है तो स्किन डिजीज होने का, कहते हैं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्ड वाटर है तो बाल झड़ने की प्रॉब्लम, स्किन डिजीज प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट आ जाती है। क्लियर है? इसीलिए समुद्र के पानी में आप जब नहा के निकलते हो तो बहुत ज्यादा चिपचिपाहट आपके शरीर में वैसे ही रहती है, खुजली चलती रहती है, तो आप उससे नहा लेते हो लेकिन बहुत ज्यादा फ्रेश फील नहीं करते, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है हार्ड वाटर से नहाने में, एक तो ये हो गया, दूसरा कपड़े धोने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा जो साबुन है, जो सॉप है, जो फॉर्म्स क्रिएट करता है, वो हार्ड वाटर के साथ कर ही नहीं पाता, तो जब फॉर्म ही क्रिएट नहीं होगा तो उसका काम ही नहीं रहा, वो बेकार हो गया, वो पीपीटी बना के नीचे बैठ जाएगा, तो साबुन का नुकसान अलग है। तो ये आप लिख सकते हो प्रॉब्लम्स ऑफ हार्ड वाटर। देखिए अगर हार्ड वाटर है तो आपके पास क्या होगा, ये गीजर है आपका, और गीजर के अंदर वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है, पीपीटी जो बन रहा है, वो इकट्ठा हो जाएगा, और दूसरा जंग भी बहुत तेजी से लगेगा, तो अच्छी खासी खासा जो आपका गीजर था वो अब ऐसा हो गया, और लास्ट में डिस्ट्रॉयड भी हो जाता है, जल्दी से जंग लग जाता है और टूट जाते हैं, तो थर्मल क्रैक्स आने लग जाते हैं, और हार्डनेस आपकी इस तरह से दिखती है। तो ये तो रहा एक साइड, नल के पानी में, पाइप में भी इस तरह का आपका रहता है, यानी पाइप में भी जंग बहुत तेजी से लगता है और वो भी खराब हो जाता है। इसीलिए आजकल हम किसके पाइप यूज करें, प्लास्टिक के, सिंथेटिक है, क्योंकि हमें मालूम है कि प्लास्टिक में जंग तो लगेगा ही नहीं, बस एक ही दिक्कत है प्लास्टिक के पाइप में कि वो ज्यादा मजबूत नहीं होते, कोई भी कटिंग्स का अगर बाहर है, ओपन है, तो खटाखट कभी भी उसमें होल हो सकता है नॉर्मल तरीके से, लेकिन अगर अंडरग्राउंड है तो प्लास्टिक के पाइप से अच्छा कोई है ही नहीं। तो ये आपके पास हो गया। अब आ रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल हार्डनेस, हम टोटल हार्डनेस कैसे पता लगाएंगे, देखो द आयन इन्वॉल्विंग इन वाटर हार्डनेस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैन बी डिटरमाइन टाइट्रेशन विथ चिलेटिंग एजेंट, ये चिलेटिंग इफेक्ट बोल दो आप, चिलेटिंग इफेक्ट, इथाइल क्या है हमारे पास, इथाइलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इसको बोलते हैं ईडीटी, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ डाई सोडियम सॉल्ट H2Y2 द टाइट्रेशन रिएक्शन इज दैट। पहले तो एक सेकंड के लिए सोचिए ईडीटीए है क्या, नाम बोलने से काम नहीं चलेगा, ईडीटीए का नाम आपने क्या लिखा, इथाइलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। मैं इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूं, ये हो गया इथाइलीन आपके लिए पक्का, इस पाई बॉन्ड को तोड़ लो अपने आप ही, इथाइलीन डाइएमीन यानी एमीन नाइट्रोजन NH2, ये हो गया इथाइलीन डाइएमीन, ठीक है। लेकिन टेट्रा एसीटेट, अब इस हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दो, दोनों हाइड्रोजन को, एक को नहीं, एसीटेट आयन COO-, 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 बोलो यस और नो। तो इथाइलीन पाई बॉन्ड नहीं होता, ध्यान रखना, इथाइलीन जब भी ऐसे बोला जाता है ना, इथाइलीन डाइक्लोराइड, तो इसका मतलब होता है CH2 पाई बॉन्ड टूट के उसकी जगह क्लोरीन आ गए, तो इथाइलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, बोलो यस और नो। अब पहले समझ लो फिर लिखना, नहीं तो आपकी नॉलेज अधूरी रह जाएगी। ये क्या है, इथाइलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। कैल्शियम सॉल्ट पे चार डेंसिटी कैसी है, ज्यादा है या बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, समझ में आ रहा है? तो
ये जो कैल्शियम आयन है, और ये इसको बोलेंगे ईडीटीए। ईडीटीए की खास बात क्या होती है कि इसके पास लोन पेयर डोनर एटम बहुत सारे हैं। क्या ऑक्सीजन लोन पेयर डोनर है? हाँ। और ओ माइनस तो बहुत ही अच्छा है। कितने लोन पेयर डोनर एटम है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यह हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो चुका है, 6। यानी इसमें 6 लोन पेयर डोनर एटम है, 6। बोलो यस और नो? ये 6 लोन पेयर डोनर एटम लगता है, और बहुत अच्छा लगता है। देखो लोन पेयर डोनर या तो नाइट्रोजन बहुत अच्छा है, या ओ माइनस बहुत अच्छा है, या एफ माइनस भी अच्छा है, ठीक है ना। -4 से लोन पेयर देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, और नाइट्रोजन में तो बिना माइनस के भी बहुत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी उसकी। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डोनर है। तो ये 6 लोन पेयर डोनर है, इसको बोलेंगे अपन, इसका ये भी बोल सकते हैं कि 6 लोन पेयर डोनर है, यानी 6 कोऑर्डिनेट बना सकता है। यानी इसकी देखा जाए तो कोवलेंसी इस जगह कितनी होगी? 6। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट नंबर, 6 बना सकता है। तो जब ये कैल्शियम इसके साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। 6 डेंटेट हो गया, 6 बना सकता है। तो 6 बनाने से क्या होगा? ये एक तरह से क्या बनाएगा? साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेगा। ये 6 के 6 देंगे तो क्या हो जाएगा? सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसके एमटीडी ऑर्बिटल या जो भी है उनमें आ सकते हैं। तो एक तरह से क्या बना लेगा? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा। वो साइक्लिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं चिलेटिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? चिलेटिंग इफेक्ट, जिससे ऑरल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी या आयन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कोई डाउट? कैल्शियम किसी भी और सॉल्ट में है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, किसी भी है, वो उस सल्फेट को छोड़ देगा और इस ईडीटीए को पकड़ लेगा, क्योंकि ये उसके साथ आयनिक भी बॉन्ड बना सकता है और ये उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना रहा है। वैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलना अजीब सा है, बस ये मान लीजिए इसके एम्प्टी ऑर्बिटल्स में वो पार्शियली शेयरिंग करा देता है। तो सिंपल सा लॉजिक ये कि इसने सल्फेट को छोड़ के इसका दामन पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि ये उससे ज्यादा अच्छा लगा उसको। कोई भी ऐसे ही अच्छा लगता है, उससे ज्यादा अच्छा लगा हो तो ये कर लिया। अब इसलिए ये एक ऐसा आयन है ईडीटीए, मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, जो अच्छे बहुत ही अच्छा आयन बनाने में रखता है, तो किसी के भी साथ आयन एक्सचेंज कर लेता है। कोई डाउट? तो ये डालते ही कैल्शियम ने इसको पकड़ लिया, और जैसे इसको पकड़ लिया तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइट्रेशन। आयन एक्सचेंज हो गया ना इसकी जगह, उस टाइट्रेशन के आधार पे हम पता लगा लेते हैं कि इसमें कैल्शियम कितने आयन थे पहले, समझ रहे हैं, और कितने आयन थे, या कंसंट्रेशन क्या थी, वो क्या कहलाएगा आपका। एक तरह से कंसंट्रेशन निकालना ही हमारे लिए क्या है? हार्डनेस। पर लीटर कितने हमारे पास थे वो हमने निकालने की कोशिश की, तो हमें कैल्शियम सॉल्ट की क्वांटिटी पता चल जाएगी। देखो ड्यूरिंग द रिएक्शंस आपके पास, मान लीजिए ये आपके पास कोई है कैल्शियम आयन है, ये है, तो कैल्शियम आयन अब किसमें चेंज हो गया? CaY2 में, और यहां पर इस तरह से पक्का। और अब अगर आपने साथ में इंडिकेटर डाल दिया, कोई भी इंडिकेटर, तो वो इंडिकेटर क्या करेगा? कलर दे देगा, तो आपको पता चल जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन क्या है पर लीटर में। कंसंट्रेशन पता चल गई, सब कुछ पता चल गया, तो ये कहलाएगा ड्यूरिंग द टाइट्रेशन, और एक इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा आपको। तो ये IN का मतलब इंडिकेटर है, जो कि कोई भी मैग्नीशियम का इंडिकेटर है, लिख लीजिए।